किसे कहते हैं? Auntie, नहीं, जिससे मैं पूछूंगा। आफ्टरनून चिल्ड्रन, सिट डाउन। पिछले पाठ में मैंने आप लोगों को सबको वायु प्रदूषण के बारे में बताया था। सबको याद हो गया कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? क्या होता है वायु प्रदूषण? एक मिनट बेटा जमुना, तुम बताओ वायु प्रदूषण क्या होता है? जिससे कि वायु गंदी होती है, जो फैक्ट्रियों से वायु निकलती है। ये तो उदाहरण है, वायु प्रदूषण की परिभाषा बताओ। किसको याद हुई वायु प्रदूषण की परिभाषा? मैंने लिखी थी बोर्ड पे। जो वातावरण में पाई जाने वाली गैसों के नाम, आंटी कार्बन डाइऑक्साइड, असंतुलन। आंटी मैं बताऊं? हाँ। वायु में विभिन्न गैसों का असंतुलन हो जाने पर वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में जो विभिन्न गैसें होती हैं, उनका प्रतिशत निश्चित होता है। जब वो ऊपर नीचे हो जाता है तो हम कहते हैं वायु प्रदूषित हो गई। उस दिन हमने आपको वायु प्रदूषण के कई कारण बताए थे कि वायु प्रदूषण क्यों क्यों होता है, और इस पिक्चर में आपको सबको आराम से दिखाई भी दे रहे हैं कि वायु प्रदूषण क्यों होता है और वायु प्रदूषण से होने वाली हानियां। वायु प्रदूषण से होने वाली हानियां किसी को मालूम है? हाँ बताओ। हाँ, हानियां मतलब नुकसान। वायु प्रदूषण हमारे लिए नुकसानकारक क्यों है? एक मिनट सुशीला, सांस लेने से मतलब होता है कि वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। खांसी आना, दमे की बीमारी हो जाना, त्वचा की बीमारी हो जाना, मतलब जहां की वायु प्रदूषित होती है वहां के लोगों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो पहली हानि क्या है? स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण ठीक नहीं। क्यों हम कहते हैं कि धुआं कम करो, धुएं के पास मत बैठो? एक मिनट, सब शांत शांत, एक मिनट। हम इसीलिए किसी चीज को मना करते हैं ना कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है तो क्या नुकसान पहुंचाती है? वायु प्रदूषण से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। खास करके सांस की बीमारी। सांस की बीमारी समझते हो? जो फेफड़ों से संबंधित होती है। दूसरे, हम लोग तो बीमार होते ही हैं, वहां पे रहने वाले पेड़ पौधे वो भी बीमार हो जाते हैं, उनकी पत्तियां। दूसरी हानि है, तीसरा और भी कोई हानि है? वातावरण गंदे होने को ही तो प्रदूषण कहते हैं, लेकिन वातावरण में पेड़ पौधे और इंसान जीव जंतु सब हो गए। और भी कुछ चीजें हैं? इमारतें, इमारतें मतलब जैसे हमारा स्कूल या कोई भी मंदिर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान, क्या ये भी वायु प्रदूषण से खराब होते हैं? कभी किसी ने देखा है? एक मिनट। हाँ दीप्ति खड़े हो, आप घर में खाना बनाते हो, जहाँ पे आप चूल्हा जलाते हो ना, यहाँ मतलब गैस जलाते हो, तो वहाँ की दीवार कभी देखी है? बिल्कुल काली हो जाती। क्यों हो गई काली? क्योंकि जो भी आपने गैस जलाई थी, थोड़ा बहुत तो काला धुआं निकलता है। अगर स्टोव जलाते हैं तो ज्यादा, लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं तो ज्यादा, कंडे जलाते हैं तो। जो हमारा किचन है उसकी सफाई हम लोग हर साल करते हैं, पुताई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कमरों में देखिए ज्यादा गंदगी दिखाई नहीं देती, लेकिन किचन की दीवारें सारी काली
हो जाती है, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा धुआं, रसोई में, आपके रसोई घर में सबसे ज्यादा धुआं दिखाई देता है। जब आपकी रसोई की दीवार जो कि चूने की है वो काली हो सकती है, तो हमारे जो वातावरण में इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं जो मार्बल से भी बनी होती हैं, मार्बल समझते हो क्या, संगमरमर, संगमरमर का सफेद पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उसको काला कर देती हैं। ताजमहल काला हो गया है ना, क्या लोग बोलते थे कि वहां पे चूड़ियों की फैक्ट्री है आगरा में, फिरोजाबाद में, पास ही में, तो वहां का धुआं ताजमहल को काला कर देता है। ऐसे कोई भी मंदिर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर जो सफेद रंग से बना है और वहां पर बहुत सारा पॉल्यूशन, प्रदूषण हो रहा है, तो क्या होगा, वहां की इमारतें खराब हो जाएंगी, तो इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है, इमारतों को भी हानि होती है, खुरदरी हो जाती है उनकी पेंट, काली हो जाती है, और कभी कभी तो प्रदूषण की वजह से वो काले हो के उनकी पपड़ी जम के गिर भी जाता है, मतलब पूरा दीवार गंदा हो जाता है। उस दिन मैंने आप लोग को इसके उदाहरण बताए थे हानियों के, कि कभी भी सर्दियों के दिनों में अंगीठी को कमरे में जलाकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कमरे में जलाकर सोने से उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी जहरीली, और अगर हमने मुंह तक रजाई डाल ली और खिड़की दरवाजे बंद कर दी तो मर सकते हैं। और एक और मैंने आपको उदाहरण बताया था भोपाल का, यूनियन कार्बाइड गैस प्लांट में ना क्या हो गया था, जहरीली गैस लीक होने से हजारों लोग मारे गए थे, तो यह भी एक प्रदूषण का ही कारण था। अब हम लोगों ने ये सब तो पढ़ लिया कि हानियां भी होती हैं, प्रदूषण के कारण भी कई होते हैं। अब हम कारणों को एक बार रिवाइज कर देते हैं कि सबसे पहले तो धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट जो हम लोग रास्ते पर फेंक देते हैं, उसकी सड़ांध, उससे निकलने वाली गंदी बदबूदार गैसें भी हमारे वातावरण को खराब कर रहे हैं। सिगरेट और बीड़ी पीने से भी हमारा वातावरण गंदा हो रहा है, और पेड़ों को, बड़े बड़े शहरों में कार, मोटर गाड़ियां चलाने से प्रदूषण हो रहा है। अब आज हम आपको बताएंगे कि हमको अगर इस पृथ्वी को बचाना है, इस पृथ्वी पे जीवन को रहना है, तो प्रदूषण को कम करना होगा। प्रदूषण जो हमारी वायु गंदी हो रही है उसको कम करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। आज हम लोग उन उपायों के बारे में जानेंगे कि वायु प्रदूषण को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। कम करने के उपाय, देखिए जो हमारे कारण है ना उसी में से उपाय भी निकलेंगे। पहले हमने कारणों को बताया है कि बहुत सारा फैक्ट्री में धुआं और गाड़ियों से, तो इसका उपाय क्या है, जो भी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं वो शहर से बहुत दूर लगाई जाएं, जहाँ पे लोग कम रहते हों, समझ रहे, जो जहाँ पे बस्ती है, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ना लगाई जाएं। और दूसरा, अगर फैक्ट्री लगाई गई है, अगर शहर से दूर भी लगाई गई है, तो उसकी जो ये चिमनी दिख रही है ना, चिमनी ये बहुत ऊंची होनी चाहिए, जो कि जो गैस बनी है गंदी गैस वो और ऊपर चली जाए, हमारी धरती पर नीचे ना आ सके। अगर नीचे नहीं आएगी तो हमें खांसी नहीं आएगी। और तीन बातें हैं, एक तो फैक्ट्री को शहर से दूर लगाओ, दूसरा इसकी चिमनी को बहुत लंबा कर दो, और तीसरा यहाँ पर एक फिल्टर लगा दो। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर पानी का होता है, लेकिन फिल्टर होता है छानने वाला कपड़ा,
या छानने वाली शीट, मतलब कि जब वो धुआं निकले तो कार्बन के जो कण हैं वो चिमनी में ही रह जाएं, केवल गैस बाहर निकले। वो कार्बन, वो जो चाय छानने को जो छलनी होती है, इतना बारीक कपड़ा होता है वो इन पर लगा दिया जाता है। लोहे की तारें होती हैं जिसको फिल्टर कहते हैं, प्लास्टिक की तारें हो सकती है, वो इसके मुंह पर, जैसे ये चिमनी बनी है ना, ये चिमनी है, ये यहाँ पर ऐसे इसका छोटा सा मुंह होता है और यहाँ से धुआं निकल, तो इस मुंह पर जहाँ पे उसका छेद है उसके नीचे एक फिल्टर लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं? फिल्टर। तो वो छन के गैस बाहर जाएगी, मतलब जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं या जो हानिकारक पदार्थ हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, वो इस चिमनी की दीवारों पर ही चिपक जाएंगे और इनको खुरच के हटा दिया जाएगा और केवल धुआं बाहर निकलेगा। और बहुत ऊंचा होने से ये वायुमंडल में, जिसमें हम सांस लेते हैं, वहां तक ये नहीं पहुंच पाएगा, तो हमको नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे समाज में जब हम रहते हैं तो फैक्ट्रियों की जरूरत तो है ही, फैक्ट्रियां बंद तो कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन उससे बचने के कुछ उपाय किए जा सकते। तो फैक्ट्री संबंधित कौन सा उपाय है? और चिमनी बहुत ऊंची, चिमनी में फिल्टर, ये तो हमारा पहला कारण था जिसको हमने सुलझा दिया, ठीक है ना। और दूसरा कारण देखिए, ये पेड़ों की कटाई हो रही है, खेतों को, जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, तो हमें क्या करना है? शांति, अगर जंगलों के पेड़ काटे जा रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हमें प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना है? पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने से डाउन ऑक्सीजन मिलेगा और वायु साफ हो जाएगी। अधिक पेड़ लगाएं, थर्ड पॉइंट, आपने देखा कि ये लड़की अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक रही है तो वायु प्रदूषित हो रही है, तो इस प्रदूषण से बचने के लिए, एक बेटा आप बताओ, आप अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर डालेंगी कि नहीं डालेंगी? नहीं डालेंगे। अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वायु प्रदूषित नहीं होगी। जहाँ कूड़ा डालने की जगह है या गाड़ी जब आती है तो उसमें डालने से वो शहर से दूर फेंका जाएगा और हमारा शहर गंदा नहीं होगा। तो कूड़े करकट को एक तो ढक के रखें, अगर घर में रखा है तो ढक के रखना है, जिससे कि वो गंदी गैस उसी में रहेगी और जब सुबह कूड़े वाला आएगा तो उसको दे देंगे। और दूसरा, बाहर ना फैलाएं, बाहर फैलाने से कुत्ते हैं, गाय है, घर इतने जानवर पूरे को फैला देंगे, हमारी कॉलोनी गंदी हो जाएगी और वायु भी गंदी हो जाएगी। कूड़े करकट, और दूसरा एक और उपाय भी लोग करते हैं कि सूखे कूड़े को इकट्ठा करके जला देते हैं, लेकिन जो जलाते हैं वो भी ऐसा नहीं कि जहाँ घर है वहाँ जला दो, दूर जहाँ पे कूड़े को जलाने की व्यवस्था की गई हो, शहर से दूर खुली जगह में, मैदान में, जहाँ आसपास कोई ज्यादा लोग ना रहते हों। जहरी गैस, जो प्लास्टिक अगर जल गया उसमें तो बहुत जहरीली गैस निकलेगी। कूड़े करकट को ढककर रखें और इधर उधर ना फैलाएं, समझ रहे हैं? वातावरण को साफ रखें।